एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एंड आप सभी को श्रावण की पहली सोमवारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी श्रावण का पहला सोमवारी है तो उसी के साथ साथ मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल सी वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर किया था कि मैं आप लोगों के साथ एक अपने कॉलेज की सीरीज लेकर के आऊंगी, तो उसी से छोटा सा रिलेटेड है ये वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि मुझे वो मेरा ड्रीम कॉलेज कैसे मिला है। तो इसे बताने के लिए मैं आप सभी के साथ एक वीडियो का सहारा लूंगी। इस केक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने स्पॉन्ज पहले से ही बना करके रखा था। मैंने इस स्पॉन्ज को एक दिन पहले ही बना लिया था। तो एक दिन पहले स्पॉन्ज बनाने से हमें ये फायदा होता है कि अच्छे से सेट हो जाता है और इसे लेयर्स में कट करने में हमें बहुत ही सुविधा होती है। तो मैंने यहाँ पे इस स्पॉन्ज को 1/3 पार्ट में कट किया है, मतलब मैंने इसे 3 लेयर्स में कट किया है और ये लेयर्स बहुत ही अच्छा निकला है और हमारा जो स्पॉन्ज है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्पॉन्जी है। तो अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रीम बीट कर लिया था। मैंने यहाँ पे 1 कप क्रीम बीट किया है, उसमें मैंने 3 से 4 बड़ा चम्मच पाइनएप्पल क्रश डाला है क्योंकि मैं यहाँ पे पाइनएप्पल केक बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश का यूज किया। उसके बाद मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चलते हैं इसे लेयरिंग करने के प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने केक बोर्ड लिया है और उस पर मैंने थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर लिया जिससे कि हमारा केक अच्छे से स्टैक हो जाए। तो आज मैंने स्क्वायर शेप केक बनाने का डिसाइड किया है क्योंकि मैंने हमेशा सर्कल पे ही आप सभी को डिजाइन्स बताए हैं और स्क्वायर शेप पे आज मैं आप सभी के साथ फोटो केक शेयर करूंगी। तो हम फोटो केक कैसे बना सकते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल, तो मैं उस फोटो केक से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैं आगे शेयर भी करूंगी। तो बने रहे मेरे इस वीडियो पे। तो अभी मैंने केक को अच्छे से पाइनएप्पल सिरप से मॉइस्ट कर लिया है। तो पाइनएप्पल सिरप बनाना बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग शुगर सिरप बनाते हैं चीनी और पानी से सिरप बनाते हैं, वैसे ही पाइनएप्पल क्रश से भी बनता है। तो थोड़े से पानी में आप 1/4 कप वाटर में 1 बड़ा चम्मच पाइनएप्पल क्रश डाल देना और उसे अच्छे से मिक्स कर देना। आपका पाइनएप्पल सिरप रेडी हो जाएगा और उसी से आप अच्छे से मॉइस्ट करना जिससे कि आपके स्पॉन्ज में एक अच्छा सा पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैंने केक को अच्छे से लेयरिंग कर दिया है और उसी के साथ साथ मैंने साइड्स पे भी इसे अच्छे से क्रम कोट कर दिया है। मैं क्रम कोट करते हुए इस केक को डेकोरेट करूंगी जिससे कि मुझे आसानी हो। और जब आप इसे क्रम कोट करें तो आप एक साथ ही पैलेट नाइफ को मत घुमाइएगा वरना ये स्क्वायर से सर्कल बन जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि स्क्वायर शेप में आप लगातार टर्न टेबल को ना घुमाएं। एक बार आप पैलेट नाइफ को चलाएं, फिर उसे क्लीन करें, फिर से आप स्क्वायर के शेप में ये पैलेट नाइफ को अच्छे से क्रीम लगा करके चलाएं जिससे कि आपको भी सुविधा हो और ये सर्कल ना बन जाए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉप की हुई पाइनएप्पल्स डाला है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश पाइनएप्पल का यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ पे कैन वाला पाइनएप्पल यूज किया है। तो इस लेयर में मैंने भर भर के पाइनएप्पल यूज किया है। उसके बाद मैं सेम प्रोसेस करूंगी सेकेंड लेयर के साथ भी और फिर थर्ड लेयर में रख दूंगी और उसे भी मैं अच्छे से मॉइस्ट कर दूंगी। और उसके बाद अब मैं क्रम कोटिंग करूंगी। तो वैसे तो मैंने फर्स्ट और सेकंड लेयर में क्रम कोट आधा तो कर ही दिया था, बस मुझे ऊपर ही करना थोड़ा बहुत क्रम कोट करना है और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये प्रोसेस मैंने पहले भी कर लिया है।
तो उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्वायर वाले केक्स में आपको खास बात का ध्यान रखना है कि आपको लगातार टर्न टेबल नहीं घुमाते जाना है, एक बार घुमाना है। एक बार आपको पैलेट नाइफ से एक साइड को पहले क्रम्पोट करना है, क्लीन करना है, फिर दूसरे साइड को आपको क्रम्पोट करना है और फिर ऊपर में आप अच्छे से इसे थोड़ा स्मूथ कर दें जिससे कि हमारा जो केक है वो अच्छे से क्रम्पोट हो जाए, उसका सारा क्रम्स अच्छे से सेट हो जाए। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से क्रम्पोट कर लिया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। और जब आप क्रम्पोट कर लेंगे तो आपको इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर सेट होने के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधे घंटे से ज़्यादा भी रख दो, एक दिन भी चलेगा। तो आधे घंटे के बाद मैंने इस केक को निकाला है रेफ्रिजरेटर से और ये अच्छे से सेट हो चुका है। तब अब मैं इस पे फाइनल कोटिंग करूँगी। तो फाइनल कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाला व्हाइट क्रीम लिया है, इसमें कोई मैंने क्रश नहीं मिलाया है। तो मैंने जो एक कप क्रीम बीट कर लिया था ना, मैंने उसमें से आधा ही यूज़ किया था ये क्रम कोटिंग और लेयरिंग के लिए और आधा मैंने साइड रख दिया था रेफ्रिजरेटर में। तो अभी मैं उसी आधे वाली क्रीम से अच्छे से मैं यहाँ पे फाइनल कोटिंग भी करूँगी और इसी क्रीम से मैं डिज़ाइन भी बनाऊँगी। तो फाइनल कोटिंग करने के लिए आप देख सकते हो आज मैं पाइपिंग बैग का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही पैलेट नाइफ से क्रीम लगा रही हूँ और मैं इसे अच्छे से स्मूथ भी करूँगी डायरेक्ट ही पैलेट नाइफ से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप थोड़ा ज़्यादा क्रीम लगाना पैलेट नाइफ से, क्योंकि जब आप इसे स्मूथनिंग करने लगोगे ना तो एक्स्ट्रा क्रीम वैसे भी हट जाएगी। अगर आप थोड़े से ही क्रीम से आप फाइनल कोटिंग करोगे डायरेक्ट ही तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि आपका जो केक होगा ना वो अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाएगा, वो अंदर का पार्ट आपको दिखेगा। तो इस बात का आपको थोड़ा खास ध्यान रखना होगा कि आप थोड़ा ज़्यादा क्रीम यूज़ करना, जिससे कि अगर आप स्क्रैपर भी चलाओ तो बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा के उसके बाद अब मैं स्मूथनिंग भी करती जाऊँगी साथ ही साथ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक साइड अच्छे से स्मूथ करना है, फिर थोड़ा क्लीन करना है, फिर स्मूथ करना है, फिर क्लीन करना है, आपको एक साथ नहीं करना है, वरना आपका ये केक सर्कल बन जाएगा, स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखना। तो धीरे धीरे करके मैं थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाऊंगी, स्मूथ कर दी जाऊंगी, तो आप देखेंगे कि अच्छे से स्मूथ भी हो जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूँ ना सर्कल और स्क्वायर केक में, तो सर्कल केक बनाना थोड़ा इजी होता है सभी के लिए हैंडल करना, बट स्क्वायर केक जो होता है ना वो थोड़ा हैंडल करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा नहीं। अगर आप एक से दो बार केक अगर बना लोगे ना स्क्वायर केक में, तो आपको बहुत ही आसानी होगी, आपको ये बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही ईजली हो जाएगा। तो आपको अगर डर लगता ना स्क्वायर शेप में करने से, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर करो। एक बार बिगड़ेगा, दो बार बिगड़ेगा, तीन बार बिगड़ेगा, फिर आप अगर तीन से चार बार भी अगर कर लोगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो मैंने भी अभी उतनी बार ट्राई नहीं किया है, मैंने भी ये दो या तीन बार ही किया है, तो उतना परफेक्ट तो नहीं बना, पर ठीक है, कोई नहीं। ये वैसे भी मैं घर के लिए बना रही हूँ, तो जैसा मन करे वैसा डिज़ाइन कुछ सीख भी लूँगी इस पर करके। इसे अच्छे से स्मूथ कर दिया है मैंने और टॉप को भी मैंने अच्छे से स्मूथ कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इसे टॉप को स्मूथ करना बहुत ही इजी होता है एज़ कम्पेयर टू साइड। तो अब जब आप करोगे ना तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट फिर आसानी हो जाएगी। सब ज़रूर करना, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर इस पर ट्राई करना। तो इसे अच्छे से स्मूथ भी कर दिया मैंने सभी को। उसके बाद मैं यहाँ पे केक कॉम्प ले लूँगी और उससे मैं साइड्स पे अच्छे से एक डिज़ाइन बना दूँगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर फ्रीज में रख दूँगी,
तब तक मैं यहाँ पे फोटो ले लेती हूँ जो मुझे उसके ऊपर प्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे ये फोटो ले लिया, तो ये एडिबल फोटो है। ये मैंने बेकरी वाले शॉप में जहाँ पे सारा रॉ मटेरियल्स मिलता है ना, वहाँ से मैंने ये लिया है, वहाँ से मैंने ये प्रिंट आउट करवाया। तो ये शुगर वाला जो शीट आता है ना, उस पर ही ये प्रिंट होता है। तो ये मुझे कॉस्ट पड़ी इसके प्रिंट कराने में 100 रुपीज़ की। तो ये मैंने ना A4 साइज के हाफ वाले पे प्रिंट कराया। ये थोड़ी महंगी पड़ती है, तो ये आप सोच रहे हो ये लोगो मैंने क्यों प्रिंट कराया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मेरे कॉलेज से रिलेटेड है, तो बस इसी की वजह से मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल पाया है। तो मैंने HP लर्निंग को से ना कोर्स किया था। आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था, मैंने जो एग्ज़ाम दिया था NCHMCT JEE का, जो कि होटल मैनेजमेंट का क्लास होता है इसमें, तो मैंने उसे ज्वाइन किया था। और मुझे उनके जो टीचर्स था ना, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और वो जो खुद है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल है आपको। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप करना चाहते हो ना होटल मैनेजमेंट, तो आप ज़रूर ज्वाइन करो उन्हें। एंड अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए इससे रिलेटेड, तो मुझे कॉमेंट करना, मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी मैंने ना इस फोटो के ऊपर पेन से मार्क कर लिया था। तो मैंने ये जो पेन से मार्क किया ना, ये मैंने प्लास्टिक के ऊपर ही मार्क किया है। एंड आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसे प्रिंट करा लोगे ना, तो इसे आप प्लास्टिक में ही पैक रहने देना, जैसे कि वो आपको देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने प्लास्टिक में ही ये रैप किया हुआ रखा था। अगर ये एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा ना, तो ये फट जाएगा, ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि जब आप इसे लेकर के आओ घर पे, तो इसे एज इट इज रख देना, और इसे रेफ्रिजरेटर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप बाहर ही रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये फुली एडिबल होता है। तो अगर आप इसे सेल भी कर रहे हो ना, तो एक इसमें ट्रिक है कि आप जब आप कस्टमर को देने वाले हो ना, तभी आप इसे प्लेस करना तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लो कि आप शाम में केक देने वाले हो, और आपने सुबह ही केक बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, और आपने फोटो भी प्लेस कर दिया है, एंड देन आपने उसे रेफ्रिजरेटर में रखा, कस्टमर के पास जाते जाते ही वो फट जाए। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जैसे कि आपने सुबह केक बना दिया, अच्छे से आप उसे सेट होने के लिए रख दो। जब आप उसे देने वाले होंगे ना, जब वो कस्टमर आने वाला होगा, तो हाफ एन आवर पहले इसे प्लेस करना, एंड जो टॉप पे डिज़ाइन आपको बनाना होगा वो बना देना, बहुत ही इजीली अच्छे से हो जाएगा सब। मैंने इसके ऊपर मार्क किया था ना, वैसे मैंने इसे कट कर लिया है, और मैं इसे अच्छे से प्लेस कर दूंगी। और प्लेस करने से पहले उस फोटो के पीछे ना एक प्लास्टिक जैसा होगा, उसे आप रिमूव कर लेना, देन प्लेस करना। मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी, तभी मैंने आपको एक डब्बे में कुछ दिखाया था, तो मे बी आप में से कितने लोग जान गए होंगे कि ये न्यूट्रल जेल है। तो उसी न्यूट्रल जेल को मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो न्यूट्रल जेल जो होता है, अगर हमारे एयर के कॉन्टेक्ट में ये आ भी जाए ना, तो भी ये बहुत ही अच्छे से डैमेज नहीं करता है इसे, और ये बहुत ही सेफ रखता है हमारे इस फोटो को। तो ये डालना बहुत ही कंपल्सरी है। तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ आप इसे मत भूलना डालना, आप इसे ज़रूर डालना। तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से इसे स्प्रेड कर दिया है पैलेट नाइफ की हेल्प से। अब मैं थोड़ी बाहर में ड्रिपिंग कर दूंगी। तो ड्रिपिंग करने के लिए ना, मैंने यहाँ पे वही न्यूट्रल जेल लिया है 1 टेबल स्पून, और उसमें मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून आप समझ सकते हो, मैंने इसमें पानी डाला है, और मैंने इसमें येलो कलर डाला है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखना कि ज़्यादा वाटरी ना हो जाए, ये थोड़ा थिक रहेगा ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा ड्रिपिंग करने में। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम फिल कर लिया है, उसमें मैंने 2 कलर फिल किया है, एक येलो और एक वाइट, जिससे कि एक अच्छा सा इफेक्ट
लगे। और अगर आपको नोजल के बारे में जानना है ना, तो मैंने यहाँ पे स्टार वाला नोजल लिया है। मैं आपको इसका नंबर को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट जरूर कर लेना। दूसरी नोजल से मैं अच्छे से बाहर बाहर भी अच्छे से डिजाइन कर दूंगी। और थोड़ा सा जगह कम थी तो मैंने बस वहाँ पे स्टार जैसा कर दिया, और नीचे बिल्कुल मैंने ऊपर की तरह ही सेम डिज़ाइन किया है, सेम ही नोजल से किया, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड आई होप कि आपको डिज़ाइन भी अच्छी लगे, पसंद आए। तो ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये केक कैसा लगा, एंड ये मेरी डिटेल्ड वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर ऐसी ही वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मैं मिलती हूँ जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आपको अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में बताऊंगी कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है। तक के लिए बाय, एंड अगेन हैप्पी सोमवारी।